रोते हैं, ऐसे हम सबके आत्मीय स्वजन और राष्ट्रनायक नायक ही नहीं जिनमें विश्व नेतृत्व का सामर्थ्य है, ऐसे मोदी जी को मैं पुनः एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मुख्यमंत्री जी का, रावत जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है त्रिवेंद्र सिंह जी का, और हमारे जिनका ऋषि तुल्य ज्ञान है, प्रतिभा है, आभा मंडल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय गवर्नर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति को भी नमन करता हुआ आज तीन बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। लगभग 15-16 साल की उम्र में हम घर से निकले थे, श्रद्धेय गुरुदेव के पास गुरुकुल खानपुर में आए, गांव की धूल भरी गलियों से, अभावों, संघर्षों, संकटों, चुनौतियों के बीच में आगे बढ़े, गुरुओं का अनुग्रह रहा, भगवान की कृपापूर्ण आशीष, हम आगे बढ़े, योग आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान को लेकर के भगवान ने हम अकिंचन फकीरों को योग को जन आंदोलन बनाने के लिए निमित्त बनाया, और फिर पूरे देश में लाखों किलोमीटर की यात्रा की, और वो भी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रूप में थे मोदी साहब, द्वारका से यात्रा शुरू हुई, काला धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरा देश आंदोलित हुआ, और मैं बहुत संतोष अनुभव करता हूं कि देश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और व्यवस्था परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, और पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। ऐसा सशक्त दिव्य भव्य एक आदर्श नेतृत्व राष्ट्र को मिला। मैं एक आंतरिक बात भी यहां पर शेयर करना चाहता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने आत्मीय भाव से दूरभाष किया। मैं एक एक दिन में 10-10 सभाएं करता था, लाखों लोगों के बीच दिन रात घूमता था, तो मोदी जी का पहला शब्द था, स्वामी जी आपने अपने आप को कैसे विड्रॉ किया, आप तो इतने आगे बढ़ चुके थे सामाजिक कार्यों में। मैंने कहा मोदी साहब आप जैसा महान नेतृत्व अब इस देश को मिल गया है तो हम निश्चिंत हैं कि अब भारत का भविष्य उज्जवल होगा, अब हमें राज्य धर्म और राष्ट्र धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं अपने मूल धर्म योग और अध्यात्म धर्म में लौट आया, और मैं समर्थ गुरु सत्ता के सम्मुख, और हमारे बड़े भाई भी हैं, और इस राष्ट्र और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व मोदी साहब, इस महान सत्ता के सामने अपने हृदय की एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आखिर मेरी क्या भूमिका होगी इस देश के लिए, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य इस कोई धरती पर है तो एक दिव्य मानव का निर्माण करना है, और दिव्य मानव के निर्माण की दो ही सीढ़ियां हैं, एक योग और अध्यात्म, जिससे व्यक्ति नर से नारायण, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म बनता है,